बांदा में जिलाधिकारी ने केन नदी पर बने इंटक वेल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार जल आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसके चलते डीएम ने निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने भूरागढ़ स्थित केन नदी के दोनों ओर बने जल संस्थान के इंटक का भी जायजा लिया, साथ ही जल सप्लाई में कई जगह लीकेज को लेकर नाराजगी जताई। हमारे पास दो इंटेक बेल हैं और ये दोनों विभाग वाले बता रहे हैं कि 1970 के बने हुए हैं। काफ़ी ये आप समझिए 50 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है और ये जर्जर स्थिति में है, मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। तो अभी हमने इन दोनों के एस्टीमेट बनाने को कहा है कि एक तो हम इसकी मरम्मत करा करके ठीक कराएं, दूसरा एक जो भूरागढ़ साइड में हमारा इंटेक वेल है उसमें ये लोग इनलेट और बनवाना चाहते हैं। हमने उसके लिए भी कहा है कि एक इनलेट वाल का एस्टीमेट बनाएं, उसके पैसे की मांग शासन से किया जाए। तीसरी बात यह है जो चैनल पानी का बना हुआ है उसकी और गहराई करने की है, तो उसकी मशीन मैं दिलवा दूंगा। और मेरे सामने एक समस्या और लाई गई है कि NHAI के लोगों ने रोड को तोड़ करके जो पाइपलाइन हमारी नीचे थी, इसमें हमने पहले भी पढ़त लिखत किया था, पुलिस से भी हमने कहा था इसको मत बनने दो, लेकिन इन लोगों ने रोका नहीं, ध्यान नहीं दिया। इनके खिलाफ़ भी मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें, है ना। और अभी मैंने वहाँ देखा मंदिर के सामने पानी टूटा और 16 गांव में पानी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक तो जो हमारी कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से दिक्कत हुई है कि जो है पानी जो था हम उसे रोक नहीं पाए, हमारी जो पाइपलाइन टूट गई है जिससे 16 गांव ही तो प्रभावित हो रहे हैं, 16 गांव पानी नहीं दे पा रहे। जबकि नियम यह है कि जब इस तरह काम किया जाता है तो विभाग के लोग बैठ के पहले उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, पहले उसे शिफ्ट करते हैं फिर ले जाते हैं। तो ये समस्या को हल करने के लिए ये देखा जा रहा है और जो भी होगा समस्या को हल किया जाएगा हर कीमत पे। शहरी क्षेत्रों में पानी की समस्या पर जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में जितने कुएं हैं उनकी सफाई करवाई जाएगी, जिससे उनका पानी का स्तर ठीक हो जाएगा। साथ ही कहा ये सारे काम युद्ध स्तर पर किए जाएंगे, जिससे कहीं भी पानी का संकट ना रहे। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।